नमस्कार दोस्तों, रील्स फैशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर का टॉपिक राज्य विधानमंडल निर्धारित किया गया है और आज हम लोग राज्य विधानमंडल के बारे में जो है अध्ययन करेंगे कि राज्य विधानमंडल के गठन, संरचना, कार्यकाल और इस तरीके से कानून बनाने की क्या प्रक्रियाएँ हैं। तो राज्य विधानमंडल पर चर्चा प्रारंभ करने के पूर्व हम लोग इस बात को समझना जरूरी समझते हैं कि भारत में एक संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसा कि भारत में अगर देखा जाए तो भारत में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विषयों का केंद्र राज्य में विभाजन किया गया है। संघ सूची पर संसद के द्वारा और राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया जाता है और इसी तरीके से समवर्ती सूची पर दोनों ही सरकारों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, किंतु यदि दोनों में टकराव की स्थिति होती है तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून जहां तक टकराव की स्थिति में आता है वहां तक वह जो है शून्य घोषित हो जाता है। तो इस तरीके से जो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए जो एक संस्था और संरचना है उसे राज्य विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। तो अब हम राज्य विधानमंडल के प्रावधान और उसके गठन, संरचना इत्यादि पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 के अंतर्गत भाग 6 में राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। भाग 6 के अंतर्गत आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक जो है वो राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 168 के अंतर्गत ये बताने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर के बनेगा या विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के बनेगा, क्योंकि किन कुछ राज्यों में राज्य विधान परिषद का प्रावधान नहीं है। तो इस तरीके से इन तीनों ही जो है अंगों के माध्यम से इस निकाय और संरचना का जो है गठन किया जाता है। अब इसी में अनुच्छेद 169 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जिन राज्यों में राज्य विधान परिषद नहीं है वहां पर इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया है कि राज्य विधान परिषद का गठन किया जा सकता है और जिन राज्यों में राज्य विधान परिषद है वहां पर राज्य विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। यद्यपि इसके संदर्भ में कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसका कि अनुपालन होना आवश्यक है। जैसे यदि किसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा अपने विशेष बहुमत से संकल्प पारित करके विधानसभा के द्वारा पारित संकल्प को संसद में भेजा जाता है इस आशय का कि उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाए, तो संसद के द्वारा, राज्य विधानमंडल नहीं, संसद के द्वारा उस राज्य में राज्य विधान परिषद का गठन किया जाता है। और इसी तरीके से अगर वहां पर उसे समाप्त करने के लिए संकल्प पारित किया जाए तो संसद के द्वारा वहां पर उस विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्य विधानमंडल अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव को, संकल्प को भेजती है और संसद अपने साधारण बहुमत से इस प्रकार के व्यवस्था यानी कि राज्य विधान परिषद का सृजन करती है या उसको समाप्त करती है। तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद को समाप्त करने या उसके प्रावधान, गठन करने से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 170, इसमें विधानसभा, विधानसभा के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है और इसमें बताया गया है कि किसी भी राज्य के जो विधानसभा है वो अधिकतम, किसी भी राज्य का विधानसभा जो है वो अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर के बनेगी, अर्थात इससे ज्यादा और कम सदस्य संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में कुछ राज्यों में इसके अपवाद हैं, जैसे पुंडिचेरी, यहाँ पर 30 ही सदस्य हैं और सिक्किम यहाँ पर 32 सदस्य हैं, मिजोरम और गोवा इन दोनों में जो है 40-40 सदस्य बनाए गए हैं। इन राज्यों को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विधानसभा की सदस्य संख्या के लिए छूट प्रदान किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन राज्यों की जनसंख्या काफी कम थी
और विधानसभा में जो सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सीटों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो विधानसभा की सदस्य संख्या के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा कर लिया। अब यहाँ पे चुनाव है, विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वह वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो यहां पर तीन बातें निकल के सामने आती हैं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर और प्रत्यक्ष, ये तीन बातें यहां पर बताई गई हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य है कि पूरे राज्य को कुछ निश्चित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और वो निश्चित क्षेत्र जो है विधानसभा के नाम से जाने जाते हैं, जहां पर जनता के द्वारा ऐसे जनता के ऐसे लोगों को जिनका नाम जो है मतदाता सूची में है और जो वयस्क हो गए हैं, वर्तमान समय में इस वयस्कता की आयु को 18 वर्ष निर्धारित किया गया है, पूर्व में यह 21 वर्ष था, यानी कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से इसे बदलकर 18 वर्ष कर दिया गया है। प्रत्यक्ष रूप से जिन प्रतिनिधियों को और पदाधिकारियों को जनता स्वयं जो है चुनती है उसे प्रत्यक्ष चुनाव, और जहां पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से अन्य किसी प्राधिकारियों की नियुक्ति या निर्वाचन किया जाता है उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, लेकिन लोकसभा विधानसभा इन लोगों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो चुनाव की प्रक्रिया आप लोगों को इस माध्यम से स्पष्ट होती है कि चुनाव जो है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर वयस्क मताधिकार के द्वारा और प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। चुनाव के बाद कार्यकाल आता है, चुनाव के बाद कार्यकाल आता है। सामान्य परिस्थिति में इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है जहां पर इनका कार्यकाल 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। यदि किसी भी राज्य में किसी भी समय सरकार अपने बहुमत को सिद्ध करने में असफल हो जाती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा और वहां के राज्यपाल के द्वारा एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए या वहां पर सरकार का पुनः गठन करने के लिए सबसे बड़ी पार्टी को आह्वान किया जाएगा। सबसे बड़ी पार्टी के द्वारा सरकार को बनाने का प्रयास किया जाएगा, विकल्प प्रस्तुत किया जाएगा और सदन में अपने बहुमत को सिद्ध करने का प्रयास किया जाएगा। यदि वह सदन में बहुमत सिद्ध करने में सफल होती है तो वह सरकार बना लेती है और सरकार का गठन हो जाता है। लेकिन यदि वह असफल होती है तो वहां पर एक निश्चित समय के बाद विधानसभा का पुनः चुनाव होता है। तो ऐसी स्थिति में निवर्तमान जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष से कम हो जाता है। लेकिन यहां पर एक बात को स्पष्ट करना आवश्यक है कि एक पार्टी के द्वारा अगर अपना सदन में बहुमत सिद्ध नहीं हो पाता है तो वह ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब वहां पर एक दो से अधिक पार्टियां चुनाव में सक्रिय रूप से विद्यमान होती हैं और सीटें जो हैं वो कई भागों में बंटी हुई होती हैं, तो वहां पर जो है किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है और वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां कार्यकाल 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। एक और कंडीशन है, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो वहां पर विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है संसद के अनुमोदन के बाद, और वह एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और ऐसा करके वो कितनी भी बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक और कंडीशन है, जब अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वहां पर इमरजेंसी लागू हो और उस स्थिति में उसका कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। यद्यपि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है उसके लिए संवैधानिक तंत्र की विफलता शब्द का प्रयोग किया गया है और वहां पर उस स्थिति में आपातकाल लागू किया जा सकता है। यह तो 356 के अलावा भी एक और प्रावधान है, अनुच्छेद 365 के अंतर्गत भी ये व्यवस्था की गई है
केंद्र राज्य के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जाता है, केंद्र के द्वारा राज्य को दिशा निर्देश जारी किया जाता है और राज्य उसका अनुपालन करने में असफल होता है, तो उस स्थिति में भी वहां पर इमरजेंसी लागू हो जाता है, उसे राज्यों की संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा जाता है। और वहां पर ऐसी स्थिति में 6 माह तक ये चल सकता है, 6 माह में वहां चुनाव कराया जाता है और किसी भी कंडीशन में ये 6 महीने की अवधि जो है 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। 1 साल से ज़्यादा तभी बढ़ाई जा सकती है जब देश में कहीं पर ऑलरेडी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, चाहे पूरे राष्ट्र में या राष्ट्र के किसी भाग में, और या तो निर्वाचन आयोग के द्वारा ये घोषणा कर दिया जाए कि निर्वाचन आयोग के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिया जाए कि निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव करवाया जाना संभव नहीं है, तो इन दोनों ही कंडीशन में वहां पर राष्ट्रपति शासन को या राज्यों की संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में उत्पन्न हुए आपातकाल को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और 3 वर्ष के बाद इसे नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जबकि राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष से भी ज्यादा आगे बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया हो, तो उस स्थिति में वहां पर संविधान संशोधन करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से कार्यकाल के संदर्भ में 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं, एक तो 5 वर्ष, 5 वर्ष से कम और 5 वर्ष से ज्यादा, और उन सारी स्थिति को आप लोगों ने स्पष्ट रूप से देख लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने गठन, प्रावधान, चुनाव, कार्यकाल को देखा। अब हम योग्यता पर चर्चा करते हैं। इसके संदर्भ में कुछ अर्हता और निर्हता के बारे में भी बातें कही गई हैं। अर्हता, अर्हता में योग्यता है और दूसरा जो है शर्तें हैं, वो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 25 वर्ष हो तथा वो उन सभी शर्तों को पूरा करता हो जिसे समय समय पर इस पद के लिए जो है बनाया जाता है। इसी तरीके से शर्तों के अंतर्गत है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो तथा वह अनुमोचित और विकृत चित्त, अनुमोचित दिवालिया और विकृत चित्त का ना हो। इसका मतलब यह है, अनुमोचित चित्त और विकृत चित्त और अनुमोचित दिवालिया का तात्पर्य है कि वह पागल और दिवालिया की श्रेणी में ना आता हो। तो इस तरीके से योग्यता और शर्तें जो है इसकी स्पष्ट हो जाती हैं। सभी प्रकार के पदाधिकारियों के लिए संवैधानिक भारत के जो है नागरिक होने की बात कही गई है। यद्यप अमेरिका के संदर्भ में यह व्यवस्था है कि वहां पर पदों के लिए, जैसे राष्ट्रपति का पद है उसके लिए ये व्यवस्था की गई कि वह जन्मा भी वहां का होना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत के संदर्भ में कहा गया कि भारत में केवल व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अर्हता और में योग्यता और शर्तों को स्पष्ट किया गया। एक और स्थिति बनती निर्हता, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन। 3 प्रकार की स्थिति है, एक तो लाभ के पद से संबंधित है, एक दल बदल से है संबंधित, और दूसरा है उपस्थिति या अनुपस्थिति कह सकते हैं, अनुपस्थिति से संबंधित। ये 3 प्रकार की स्थिति। लाभ के संदर्भ में यदि कोई भी सवाल उत्पन्न होता है तो इसका निर्णय जो है राज्यपाल और केंद्र में जो है राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग के सलाह और परामर्श के आधार पर लिया जाएगा और इस संदर्भ में उसका निर्णय मान्य होगा। आर्टिकल 102 के अंतर्गत लाभ के पद के संदर्भ में व्यवस्था किया गया है कि लाभ के पद के लिए क्या क्या प्रावधान है, किस स्थिति में कौन लाभ का पद इत्यादि माना जाएगा। और दल बदल के संदर्भ में, दल बदल के संदर्भ में 10वीं अनुसूची है, इसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि दल बदल के संदर्भ में कोई स्थिति स्पष्ट होती है कि वह व्यक्ति अर्ह है या निरअर्ह है, तो इस संदर्भ में उस सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा लिया गया निर्णय माना जाएगा। और वह यदि समझता है कि वह दल बदल की श्रेणी में आता है तो संबंधित जो है सांसद या राज्य विधानमंडल या विधान परिषद के सदस्यों को निरर्ह किया जा सकता है या डिस्क्वालीफाई माना जा सकता है।
अनुपस्थिति के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुपस्थिति के बारे में भी निर्णय सदन के अध्यक्ष और सभापति के द्वारा लिया जाता है। और अगर संसद के सत्र चलने के दौरान लगातार 60 कार्य दिवसों में जो है सत्र में कोई अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में सदन के सभापति के द्वारा उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। हालांकि इसमें एक और व्यवस्था दी गई है कि लगातार 4 दिन तक यदि सत्र नहीं चलता है तो उस तिथि को 60 दिन में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि इतना राहत दिया गया है। तो ये थी व्यवस्था अर्हता और निर्हता के संदर्भ में। अब यहाँ पर पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी किसे कहते हैं? किसी भी सदन या समिति की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक व्यक्ति को ऐसी भूमिका और शक्ति प्रदान की जाती है जिससे वह पूरे सदन में समन्वय स्थापित कर सके और सदन की कार्यवाही को सुचारू पूर्वक शांत पूर्वक संचालित करने में मदद कर सके। तो इसके लिए उसको अधिकार भी दिए गए हैं, विशेष प्रकार की परिस्थिति में सदन के सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही करने की भी उसको पावर दिया गया है। तो ये होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसी तरीके से सभापति और उपसभापति, जैसा कि जब हम लोग संसद पढ़ रहे थे तो वहां पर उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है, लेकिन यहां पर इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर सभापति उपसभापति दोनों का चुनाव होता है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के सदस्य की तरह से यहाँ पर भी विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है और इसी तरीके से विधान परिषद के द्वारा सभापति और उपसभापति का चुनाव किया जाता है। और जब जब इसका पद रिक्त होता है तो उस व्यक्ति के द्वारा इसकी भूमिका का निर्वाह किया जाता है जिसे राज्यपाल इस कार्य हेतु नाम निर्दिष्ट करता है। लेकिन यहाँ पर इनका एक पैनल भी होता है जिसमें 10 सदस्य शामिल होते हैं और जब जब रिक्त होगा तब उन्हीं पैनल से चुनाव होगा। वो चुनाव के बाद जो सदस्य आएंगे वो परमानेंट व्यवस्था होगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों के लिए जब खाली होगा तो राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस कार्य के लिए नाम निर्दिष्ट करेगा और वो अस्थायी रूप से काम करेंगे। और जब पैनल के द्वारा चुनाव हो जाएगा तो वो अस्थायी रूप से इस कार्य को देखेंगे। तो इस तरीके से विधानमंडल के अंतर्गत हम लोग विधानसभा टॉपिक में जो है उसके प्रावधान, गठन, संरचना, सदस्यता, कार्यकाल, योग्यता, शर्तें और अर्हता निर्हता इत्यादि को देखा। इसी तरीके से विधान परिषद के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। विधान परिषद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन है जिसे अनुभवी लोगों का सदन भी कहा जाता है और इसके संदर्भ में जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 171 के अंतर्गत बनाया गया है। आर्टिकल 171 में विधान परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है और ये बताया गया है कि यहाँ की जो सदस्य संख्या है वो संबंधित राज्य की विधान परिषद की 1/3 अधिकतम और न्यूनतम 40 हो सकता है। अर्थात विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है और आकार है वो संबंधित राज्य के विधान परिषद की विधानसभा के आकार पर निर्भर करता है। यहाँ के जो सदस्य हैं वो मूल रूप से अगर देखा जाए तो 6 तरीके से जो है मिलकर के विधान परिषद का गठन करते हैं। उसके 1/3 सदस्य जो है 1/3 सदस्य विधानसभा से, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा, 1/12 सदस्य ये शिक्षकों के द्वारा और प्लस 1/12 सदस्य ये स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं। ऐसे शिक्षक होंगे जो कम से कम माध्यमिक स्तर तक के बच्चों को पढ़ाते हों, स्नातक जो कम से कम 3 वर्ष से जो है स्नातक रहा हो, और राज्यपाल के द्वारा 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, 5 क्षेत्रों में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, यौन सहकारिता के क्षेत्रों से विशिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को
राज्य विधान परिषद के लिए चुना जाता है। यहां पर एक बात और ध्यान में रखना है कि मनोनीत करने की व्यवस्था केंद्र में राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा भी दिया गया है, लेकिन वहां पर समाज सेवा सहकारिता के क्षेत्र से मनोनीत नहीं किया जाता है, वहां पर केवल साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र से ही मनोनीत किए जाते हैं। तो सहकारिता यहां पर एक अतिरिक्त विषय दिया गया है और इसी तरीके से विधान सभा के द्वारा और स्थानीय निकायों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। इनके चुनाव जो है कि जो प्रक्रिया होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जिस तरीके से राज्य सभा का जो है चुनाव होता है उसी तरीके से इनका भी जो चुनाव होता है। इनके कार्यकाल के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है, यह एक अस्थायी सदन है। यहां पर यह ध्यान में रखना है कि राज्य विधान परिषद का कार्यकाल अस्थायी होता है और यह अनिश्चित होता है, लेकिन इनके राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यानी कि जब ये पूछा जाता है कि विधान परिषद का कार्यकाल तो अस्थायी सदन है और अनिश्चित कार्यकाल होता है, लेकिन जब इनके सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाएगा तो वहां पर ये बातें स्पष्ट होती हैं कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर चुनाव होता है। तो ये व्यवस्था इनके कार्यकाल के संदर्भ में रही है। अगर योग्यता के संदर्भ में देखा जाए तो सेम वही व्यवस्थाएं हैं, केवल इनके सदस्यों का जो न्यूनतम उम्र है वो 30 वर्ष होना चाहिए, बाकी सेम व्यवस्थाएं उसी तरीके से हैं। और पीठासीन अधिकारियों के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा कर लिया और अर्हता निर्हता के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। निर्हता के संदर्भ में भी वही नियम लागू होगा जो विधान परिषद के लिए लागू होता है। तो इस तरीके से आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने राज्य विधान मंडल के अंतर्गत विधान परिषद और इसी तरीके से विधानसभा के बारे में चर्चा किया। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जो यहाँ पे देख लेना आवश्यक है कि विधान मंडल में विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया सामान्यतः 3 प्रकार के सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से मई में, इस तरीके से शीतकालीन मानसून सत्र जून जुलाई अगस्त तक और शीतकालीन सत्र अक्टूबर और नवंबर। इस तरीके से 3 महत्वपूर्ण सत्र होते हैं और इन सत्रों में कानून बनाने के लिए विधेयक रखे जाते हैं। और विधेयक को देखा जाए तो साधारण विधेयक होते हैं, धन विधेयक होते हैं और वित्त विधेयक होते हैं। वित्त विधेयक में जो है इन दोनों की बातें निहित होती हैं। धन विधेयक कर लगाने से संबंधित होता है, उसमें परिवर्तन करने से संबंधित होता है, संचित निधि से धन को खर्च करने से संबंधित होता है और वित्त विधेयक में दोनों प्रकार की बातें निहित और सम्मिलित होती हैं। अब हम लोग बजट विधि निर्माण की प्रक्रिया पढ़ते हैं। साधारण विधेयकों के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो साधारण विधेयक दोनों ही सदनों में से किसी में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर वो सरकारी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसे कम से कम 1 सप्ताह के पूर्व, और गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसे 1 माह पूर्व की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना है, सरकारी सदस्य के तात्पर्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से है और गैर सरकारी सदस्य के तात्पर्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य से होता है जिसे भी विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। जिस तिथि को विधेयक को प्रस्तुत करना होता है उस तिथि को प्रस्तुतकर्ता के द्वारा उस विधेयक के शीर्षक और उद्देश्यों को पढ़ा जाता है। यह होता है प्रथम वाचन। प्रथम वाचन में इस बात को स्पष्ट किया जाता है और उसके प्रस्तावक या प्रस्तुतकर्ता के द्वारा उसके उद्देश्यों और उसके शीर्षक को पढ़ा जाता है ताकि सदन के अन्य सदस्यों को यह स्पष्ट हो सके कि सदन में किस
विधेयक को और किस टॉपिक के जो विधेयक को प्रस्तुत किया जा रहा है और उद्देश्य और शीर्षक को पढ़ने के बाद उसे गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। कई बार ऐसे भी होता है कि उस विधेयक को पहले ही गजट में प्रकाशित किया जाता है तो उसके प्रस्तुत करने के लिए अनुमति नहीं लेना होता है और पुनः उसे गजट में प्रकाशित नहीं किया जाता है और इसके बाद द्वितीय वाचन शुरू होता है। प्रथम वाचन में केवल इतनी ही बातें होती हैं कि वो प्रस्तुत किया जाता है और उसके शीर्षक और उद्देश्यों को पढ़ा जाता है। द्वितीय वाचन में ये बातें होती हैं कि उसके प्रति जो है सदस्यों को बांट दिया जाता है जिसका वो लोग अध्ययन करते हैं। द्वितीय वाचन में काफी लंबे समय तक और उसके सभी विषयों पर गंभीरता के साथ चर्चा होता है। इससे संबंधित सवाल भी जो है पूछा गया है कि कौन सा सदन है जिसमें विधेयक पर सबसे लंबे समय तक और सबसे महत्वपूर्ण रूप में चर्चा होता है, तो वो है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में प्रतियां बांट दी जाती हैं और उसके बाद दो कंडीशन हो सकते हैं, एक तो उस पर तत्काल बहस किया जाए और मतदान किया जाए और दूसरा कंडीशन ये होता है कि उसे समितियों में भेज दिया जाए, प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति में भेज दिया जाए और समिति के द्वारा उसके सभी खंडों और पक्षों पर चर्चा किया जाए और पुनः उसके बाद वो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए, तब उस पर आम बहस, संशोधन और मतदान किया जाए। यदि अति महत्वपूर्ण विधेयक होता है और बहुत जरूरी विधेयक होता है तो उस पर तत्काल जो है बहस और मतदान होता है, अन्यथा किसी स्थिति में उसे समितियों में भेज दिया जाता है और समिति से सभी पक्षों और खंडों पर विधिवत चर्चा करने के बाद पुनः उसकी रिपोर्टिंग सदन में होती है और उस पर पुनः बहस किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर दिए जाते हैं, संशोधन रखे जाते हैं। अगर कोई संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो वह कानून का हिस्सा हो जाता है और पुनः उस पर जो मतदान होता है और तब ये जो है तृतीय वाचन में जाता है। तृतीय वाचन में विधेयक के जो है संरचना, उसके प्रावधानों में कोई अंतर नहीं किया जाता है बल्कि उसके आकार, शब्दावली और तकनीकी बातों पर ध्यान दिया जाता है और मतदान करके उसे यहां से पास कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये तीनों ही वाचन के माध्यम पूरे होने के बाद उसे उस सदन से पारित हुआ माना जाता है। यदि यह लोकसभा से पारित हो चुका है तो इसी तरीके से अब इसे जो है यहां पर भेजा जाएगा विधान परिषद में। विधान परिषद में भी सेम यही तीनों ही वाचन यहाँ पे संपन्न होंगे। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन से संपन्न होता। द्वितीय सदन यानी कि राज्य विधान परिषद के पास जब भी विधेयक भेजा जाएगा तो उसके पास भेजने पर उसके पास चार विकल्प होंगे, या तो वो स्वीकार कर ले विधेयक को, या अस्वीकार कर ले, या संशोधन कर दे, या अपने पास रख ले। यदि उसे स्वीकार कर लेता है तो दोनों ही सदन से विधेयक को पारित माना जाता है। यदि अस्वीकार कर लेते हैं या उसे अनिश्चित काल के लिए रखते हैं या 3 माह तक रखते हैं तो पुनः पहले वाले विधेयक, पहले वाले सदन के द्वारा उसे पुनः पारित किया जाता है और पुनः भेजा जाता है और 1 माह का इंतजार किया जाता है। यदि इस दौरान उनके द्वारा उसे पारित किया जाता है या पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है तो पारित किया जाता तो मान लिया जाएगा और यदि पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है तो पहले सदन के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो पुनर्विचार संशोधन के साथ करता है या संशोधन रहित करता है। यदि संशोधन को जो स्वीकार कर लेता है तो उसी रूप में पारित माना जाता है, यदि स्वीकार नहीं करता है और 1 माह से अधिक समय बीत जाता है तो इसी स्थिति में वो दोनों ही सदनों से विधेयक को पारित माना जाता है। अर्थात यहाँ पर विधानसभा को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है और राज्य विधान परिषद उसे 3 माह और दूसरी बार 1 माह यानी कि अधिकतम उसे जो है 4 माह के लिए जो है अपने पास रोक सकता है, क्योंकि पहली बार गया तो 3 माह तक अधिकतम वो रोक सकता है और अगर 3 माह में नहीं पास किया या संशोधन किया तो वो पुनः भेजेगा प्रथम सदन, और अगर दूसरी बार भी 1 माह तक नहीं रोका तो दोनों सदनों से उसे पारित मान लिया जाएगा। अब ये दोनों सदनों से पारित जो विधेयक है वो राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल के पास भी इसी तरीके से 4 प्रकार के जो है स्थिति होती है कि वो स्वीकार कर ले, उसमें पुनर्विचार के लिए भेज दें या अपने पास रख ले। यदि उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वो कानून बन जाता है और गजट में प्रकाशित होने के बाद अधिनियम बन जाता है। यदि उसे पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो ये सदन के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे संशोधन सहित या संशोधन रहित स्थिति में जो है पुनः राज्यपाल के पास भेजे, और दूसरी बार राज्यपाल के पास ये बाध्यता होती है कि उस विधेयक पर वो सहमति दे ही दे,
क्योंकि दूसरी बार उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। एक स्थिति होती है उसे अपने पास रख लें, यदि उसे अपने पास रख लेते हैं तो यह स्थिति ही जो है जेबी वीटो के नाम से जाना जाता है, जिसे जो है आत्यंतिक वीटो भी कहा जाता है, और ये जो पुनर्विचार के लिए जो है भेजा जाता है इसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है, क्योंकि कुछ समय के लिए उस पर विचार करने का दोबारा अवसर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हो सकता है सदन से कोई चूक हुई हो और जनमत उस समय उसके पक्ष में ना हो, तो वो सदन उसे स्वीकार भी कर सकता, संशोधन भी कर सकता। एक अन्य स्थिति होती है चौथा, कि राज्यपाल उसी विधेयक को स्वीकार, राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दे, और राष्ट्रपति के पास भी पुनः यही ऑप्शन होते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, अगर करते हैं तो कानून बन जाता है, पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। यदि पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो सदन के लिए यह कंपल्सरी है कि 6 महीने के अंतर उसे पुनः भेजें, लेकिन यहाँ पर यह विशेष व्यवस्था दी गई है कि 6 महीने के अंतर अगर सदन के द्वारा भेजा जाता है तो भी कोई जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति यहाँ पर उस पर अपनी सहमति दे। लेकिन जब संसद के द्वारा राष्ट्रपति के पास इस आधार पर पुनर्विचार के बाद भेजा जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है, परंतु जब राज्य विधानमंडल से इस तरीके के विधेयक जाता है तो उस समय राष्ट्रपति की कोई बाध्यता नहीं होती है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जिस पर हम आज के इस लेक्चर में बात करना चाहेंगे, वो कि विधान परिषद की महत्ता या विधान परिषद की भूमिका। जैसे सामान्यतः ये सवाल उत्पन्न होता है कभी कभी कि कुछ राज्यों में राज्य विधान परिषद का प्रावधान नहीं है जबकि कुछ राज्यों में राज्य विधान परिषद का प्रावधान है, तो क्या राज्य विधान परिषद के बगैर यदि कुछ राज्यों में इस तरीके से कानून का निर्माण और शासन का संचालन कर रहा है तो यह क्या महत्वहीन तो नहीं है? लेकिन कुछ ऐसे आधार है जिसके आधार पर इनकी महत्ता को सिद्ध किया जाता है, जैसे प्रतिनिधित्व, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का सदन में प्रतिनिधित्व हो जाता है, अनुभव, क्योंकि इसमें सामान्यतः विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के और वरिष्ठ लोग शामिल होते हैं, इसलिए कानून निर्माण की प्रक्रिया में उनके जानकारी और अनुभव को भी प्राप्त किया जा सकता है, जल्दबाजी में जो है विधेयक को पारित होने से रोक सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग जिनका जो है प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हो पाता है, प्रत्यक्ष चुनाव न होने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पर यह विकल्प होता है कि यदि अनुभवी हैं और कुछ विशेष क्षेत्रों में उनके अनुभव का लाभ विधि निर्माण में लिया जा सकता है तो उस स्थिति में इन्हें राज्य विधान परिषद में भेजकर इनका लाभ जो है विधि के निर्माण की प्रक्रिया में लिया जा सकता है। तो इस तरीके से कभी कभी प्रश्न जो है मुख्य परीक्षा में भी मिलान के लिए, जोड़े के लिए आ सकते हैं या कूट के लिए आ सकते हैं, और मेंस का जिस तरीके से पैटर्न है यूपीएससी हो या यूपीपीएससी, तो वहां भी 150 शब्द या 75 शब्दों में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां पर भी इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने राज्य विधानमंडल के बारे में चर्चा किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस पे आधारित पीडीएफ और अन्य मैटर आपको प्लेटफॉर्म पर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को पूर्ण रूप दे पाने में सक्षम होंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, और पुनः अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा में बढ़ाते रहिए। नमस्कार।